ओम सूर्य देवता है नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube के इस चैनल में जिसका नाम है आयुर्वेद एवं घरेलू उपचार। जी हाँ दोस्तों, मैं इस चैनल पे जो होता है आपको आयुर्वेदिक पौधों की पहचान करवाता हूँ, साथ में उनके आयुर्वेदिक गुण के बारे में भी आपको बतलाता हूँ। तो दोस्तों, आज का अपना आयुर्वेदिक पौधा है जिसको दोस्तों वीडियो में आप देख रहे हैं, जिन लोगों के दाँतों में कीड़े पड़ जाते हैं या फिर जिन लोगों के दाँत जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, यानी कम उम्र में ही उनके बालों में कीड़े पड़ जाते हैं, दाँतों में सड़न हो जाती है, दांत दर्द करते हैं, तो दोस्तों यह जो औषधि है, यह जो आयुर्वेदिक पौधा है, यह आपके दांतों को, कीड़ों को 101% निकालने वाला है, यह आपके दांतों को मजबूत करने वाला है। साथ में दोस्तों यह जो होता है, यह जो औषधि है, गर्भवती महिलाओं के लिए तो अमृत के समान ही माना जाता है। तो दोस्तों देरी नहीं करते, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं दोस्तों, इसका जो होता है चिरचिटा के नाम से जाने जाने वाला आयुर्वेदिक पौधा होता है। यह जो होता है आपके दांतों के कीड़ों को निकालने वाला होता है, जिन लोगों के दांत कमजोर हो जाते हैं उनके लिए फायदेमंद होता है, जिन लोगों के मसूड़े कम उम्र में हिलने लग जाते हैं उनके लिए यह पौधा जो होता है काफी फायदेमंद होता है, गर्भवती महिलाओं के लिए तो यह पौधा जो होता है अमृत के समान माना जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में जो होता है इसी आयुर्वेदिक पौधा जिसको अपामार्ग चिरचिटा के नाम से जाना जाता है, इसी के हम आपके आयुर्वेदिक लाभ के बारे में बतलाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बतला देता हूं कि जिन लोगों के दांत कमजोर हो जाते हैं, जिन लोगों के दांतों में पायरिया की शिकायत रहती है, मुंह से बदबू आती है, तो वो लोग दोस्तों इसकी जो होती है अपामार्ग जो होती है, अपामार्ग में जो दो प्रकार के अपामार्ग पाए जाते हैं, एक लाल रंग का अपामार्ग होता है, एक सफेद रंग का अपामार्ग होता है, दोनों में जो औषधीय गुण होते हैं वो समान मात्रा में ही पाए जाने वाले होते हैं। मतलब किसी में किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं होता कि लाल अपामार्ग ज्यादा फायदेमंद होती हो और सफेद अपामार्ग जो होती है ज़्यादा फायदेमंद होती है, दोनों ही अपामार्ग जो होती है काफ़ी फायदेमंद होती है, सिर्फ भूमि यानी जमीन के हिसाब से इनका जो होता है कलर चेंज हो जाता है। तो दोस्तों जिन लोगों को पायरिया की शिकायत होती है, जिन लोगों के दांत कमजोर रहते हैं, वो लोग अगर इसकी दातून बना करके अगर सेवन करते हैं तो उन लोगों के दांत जो होते हैं मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो हमारी माता और बहनें रहती हैं, जो तीज का व्रत रखती हैं, तीज यानी शिव पार्वती जी के विवाह में जो लोग निर्जला व्रत रखती हैं, वो माता और बहनें जो होती सुबह 4 बजे उठ करके मौनी स्नान करने के बाद ही इसी दातून से, इसी के तने से दातून करती हैं और इसी के दातून से ही वो लोग अपना व्रत को स्टार्ट करती हैं। तो यह जो होता है धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से भी यह जो होती है दातून के ही तौर पर ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो दोस्तों इसकी जो पूरी तने को अच्छी तरीके से सुखा करके, इसका पाउडर बना करके, थोड़ा सा कोयला मिला करके, थोड़ा सा नमक मिला करके, अगर वो अपने दांतों में अच्छी तरीके से रोज सुबह शाम अगर मालिश करते हैं तो उनका दांत जो होगा अच्छी तरीके से मजबूत हो जाता है। ठंड यानी वर्षा ऋतु के समय ही यह पौधा आपको देखने को मिलेगा, तो इसी समय ही आपको इसका जो पूरी तरीके से उखाड़ करके, इसके पंचांग को सुखा करके, पाउडर बना करके ही आपको इसका मंजन बनाना होगा। दोस्तों दूसरा है इसका, इसका जो दातून भी आप सीधे सीधे कर सकते हैं, अभी आपके पास में अगर प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है तो इसकी दातून बना करके आप सेवन कर सकते हैं। इसके बीजों का भी जो होता है आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा उपयोग में किए जाने वाला रहता है। जो हमारी गर्भवती माता और बहनें रहती हैं उनमें जो होता है दोस्तों इसके बीजों का जो होता है अच्छी तरीके से रोस्ट करके, इनके बीजों को खिलाने से उनके शरीर में गर्मी प्रचुर मात्रा में रहती है। जिन माता और बहनों में दूध नहीं बनता बच्चे देने के बाद, बच्चा पैदा करने के बाद जिन माता और बहनों में दूध बनने की समस्या आ जाती है, उन लोगों के लिए यह जो अपामार्ग होता है, चिरचिटा होता है, इसके बीज काफ़ी फायदेमंद होते हैं। एक चीज़ और मैं इसको जो होता है घरेलू नुस्खा आपको इसका एक और बता देता हूँ, जिन माता और बहनों का गर्भ ठहरता तो है पर मिसगैरेज हो जाता है किसी वजह से, तो उन माता और बहनों के लिए मैं आपको बता देता हूं इसका एक अचूक टोटका भी माना जाता है, जो हमारे यहाँ के गौड़ आदिवासी लोग इसका प्रचुर मात्रा में करते हैं। तांत्रिक विधियों में भी, तांत्रिक किताबों में भी अपामार्ग की जड़ को जो है शुद्ध करने के बाद जो होता है इसके बहुत सारे ऐसे तांत्रिक गुण भी किए जाते हैं। तो दोस्तों के पेट में जो कृमि हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, उन कीड़ों को नाश करने वाला होता है, आपके शरीर में भूख बढ़ाने वाला होता है, आपकी पेट की छोटी आँत बड़ी आँत को मजबूत करने वाला होता है, आपके शरीर में अम्ल अगर ज़्यादा बन रहा तो इस अम्ल को कंट्रोल करने का कार्य यह औषधि पौधा करता है अपामार्ग। जो लोग शुगर के रोगी हैं, जिन लोगों को शुगर की शिकायत रहती है, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि इंसुलिन लेने तक की आवश्यकता पड़ जाती है, तो उन शुगर के रोगियों के लिए भी अपामार्ग जो होती है काफ़ी फायदेमंद औषधि मानी जाती है। वो लोग अगर सुबह के समय में अगर इसकी एक पत्ती को तोड़ करके पानी में डाल करके 1 से 1.5 घंटे अगर रख देते हैं और उसके बाद उस पानी को यह पी लेते हैं, ठंडे पानी को पी लेते हैं, तो दिन भर उनका जो होगा रक्त शर्करा ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, शुगर उनका जो होगा हमेशा कंट्रोल में ही रहेगा, जिसकी वजह से उनको इंसुलिन लेने की
आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जहाँ तक कि मैंने देखा आजमाया हुआ है कि काफ़ी सारे लोग, जिन लोगों को मैंने यह घरेलू नुस्खा बताया था, वो लोग इसका इस्तेमाल करने के बाद वो लोग तो शुगर की दवाइयाँ भी लेना भी बंद कर चुकी है। धीरे धीरे उनका शुगर जो होगा 200-300 से जो ऊपर जाता था उनका, तो शुगर लेवल भी उनका हमेशा कंट्रोल में ही रहता है। महीने महीने में, 2 दिन में 3 दिन में जब भी वो चेक कराते तो उनका शुगर लेवल जो होता है कंट्रोल में ही मिलता है। तो डॉक्टर भी कहता है कि भाई ऐसा क्या कर रहे हो, और को भी बताइए। तो दोस्तों इसलिए मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूँ, शुगर के रोगियों के लिए भी यह जो पौधा होता है अपामार्ग चिरचिरा जो होता है काफ़ी फायदेमंद होता है। जिन लोगों के चेहरे की जो स्किन होती है, जो स्किन जो होती है काली काली से होने लग जाती है, खासकर न्यूबॉर्न जो मामा मम्मी बनती हैं, मतलब जो माता और बहनें जो होती हैं, जो फर्स्ट टाइम में उनके जो गर्भावस्था रखती हैं, तो गर्भावस्था के समय आपने देखा होगा कि उनकी जो होती है यहाँ पर काली काली सी झाइयाँ पड़ने लग जाती हैं, और उनके बहुत सारे अंडर आर्म्स भी जो होते हैं वो काले काले से हो जाते हैं। काफ़ी ऐसी जगह होती है जिन जगहों पर यह जो होता है मेलानिन नामक, जो गर्भावस्था में मेलानिन नामक जो होता है तत्व जो होता है, रसायन जो होता है, जिसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें ब्लैक स्पॉट आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो माता और बहनें जो होती हैं, अगर इसके पत्ते को अच्छी तरीके से इसका रस निकाल करके कपड़े की सहायता से अगर वो इस प्रकार से अगर वो लगाती हैं, तो उनका जो होगा ये ब्लैक स्पॉट नहीं पड़ेगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, इनका ब्लैक स्पॉट और दाग भी नहीं छोड़ेगा। साइड में जो स्ट्रेच मार्क्स पड़ने लगते हैं उनके पेट में, वो स्ट्रेच मार्क्स भी नहीं पड़ते अगर वो माता और बहनें इसका इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों वैसे अपामार्ग जो होता आसानी से कहीं भी आपको देखने को मिल जाती है, आपको घबराना नहीं है, सफ़ेद हो चाहे लाल हो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्भावस्था में इसका रस पीना जो होता है वो नुकसानदायक होता है, सिर्फ आप दातून ही इसके ब्रश से कर सकते हैं, इसके दातून ही कर सकते हैं, इसके तने से। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो में आप समझ ही गए होंगे कि अपामार्ग और चिरचिरा जो होता है हमारे दांतों के साथ साथ में हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा करके सब्सक्राइब हो जाइए। नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए जिससे आपको हमारे और भी आयुर्वेद से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी आयुर्वेदिक पौधे और उसके उपचार के साथ में। तब तक इजाजत दीजिए, हर हर महादेव दोस्तों।